केरल में मुस्लिम और ईसाई समुदाय केरल की आबादी का 48%। इसमें मुस्लिम बहुसंख्यक समुदाय है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों ने बीजेपी को अब तक केरल की सत्ता से दूर रखा हुआ है। ऐसे में हर चुनाव में सत्ता बारी बारी सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ के हाथ में जा रही है, यानी लेफ्ट और कांग्रेस यहां पर सक्रिय है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि केरल की द्विध्रुवी राजनीति पर एक असर पड़ने वाला है। भले ही मामूली ही असर क्यों ना हो, लेकिन असर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी खासा एक्टिव दिखाई पड़ रही है और कार्यकर्ताओं को संबोधन में जब प्रधानमंत्री मोदी उत्साहित करते हैं तो निश्चित तौर पर केरल का रुख करना लाजमी है। बीजेपी और आरएसएस ईसाई समुदाय के कुछ तबकों को अपनी ओर लाने की कोशिश में जुटे हैं, जिनके बीच चर्च से जुड़े एक मुद्दे को लेकर भी विवाद है। असल में पीएम मोदी के कहने पर बीजेपी ने केरल में मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों तक पहुंचने और उन तक पहुंच बढ़ाने के कई सारे कार्यक्रम रखे हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी का ब्लूप्रिंट है जो कि केरल में अब दिखाई पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद है कि केरल में भी भाजपा आएगी। इसके तहत दोनों ईसाई और मुस्लिम मतदाता जो है उन तक जाया जाएगा। उनके हर त्यौहार पर पार्टी उम्मीद उपस्थिति दर्ज कराएगी। इसी कड़ी में 9 अप्रैल को ईस्टर संडे पर 10,000 बीजेपी कार्यकर्ता 1,00,000 ईसाइयों के घर जाने वाले हैं। देखिए, इसी तैयारी की बात हम कर रहे थे जो कि बीजेपी के ब्लूप्रिंट से निकल रहा है। 15 अप्रैल को विशु के पावन पर्व पर हिंदू कार्यकर्ताओं के घरों पर ईसाइयों को बुलाया जा रहा है। इसी तरह अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ईद पर मुसलमानों के घरों पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचते दिखाई पड़ेंगे। केरल की बात हम कर रहे हैं और केरल में बीजेपी ऐसे एंट्री कर रही है एक्टिवली, जो कि लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी के कुछ नेताओं के अनुसार उसकी इस पहल को लेफ्ट कांग्रेस ने नोटिस किया। बीजेपी नेताओं के अनुसार उसकी इस पहल को लेफ्ट कांग्रेस ने इस तरह से नोटिस किया है कि उनकी सारे जो भी कार्यक्रम है उस पर नजर रखी जा रही है। वैसे पिछले साल क्रिसमस के सप्ताह में बीजेपी के 1500 कार्यकर्ता 15,000 ईसाइयों के घर उपहार के साथ गए थे। यानी देखिए, एक जो तैयारी है वो दिखाई पड़ती है। यही तैयारी पिछले बहुत समय से पूर्वोत्तर के राज्यों पर बीजेपी कर रही थी, जहां पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया। जिस तरीके से भाजपा के लिए कहा जाता है कि वो साल भर चुनावी मोड में होते, इसलिए पूर्वोत्तर की मेहनत ऐसी रंग लाई कि वहां पर भाजपा दिखाई पड़ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि ईसाइयों का बहुत सारा वोट हमारे साथ है, इसलिए हम केरल में भी भाजपा लाएंगे। बहरहाल, अब बीजेपी की ये वो पहल है ईसाइयों को उपहार देने की, जो कि केरल के जनता के करीब जाने की एक कोशिश है, एक कवायद है। हिंदी भाषी पार्टी वाले जो परसेप्शन है उसे भाजपा यहाँ केरल में तोड़ना चाहती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उसी चुनौती के बीच इस तरह के जनसंपर्क कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, जिससे कि जमीन थोड़ी सी मजबूत हो जाए। आंकड़े बताते हैं कि केरल में 18% ईसाई, 28% मुसलमान और 54% हिंदू है। अब पार्टी हिंदू वोट तो चाहती है, उसके साथ साथ ईसाई वोट बैंक पर भी उसकी नजर है, और इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता एक्टिवली ईस्टर में, यीशु के जन्मदिन पर या इससे पहले क्रिसमस के समय, जिस तरीके की तस्वीर वहां पर दिखाई पड़ रही थी, ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता खासा एक्टिव होने की कोशिश वहां कर रहा है। अब देखिए, अगर ऐसा होता है कि बीजेपी एक्टिव वहां दिखाई पड़ती है, अगर ऐसा होता है कि बीजेपी को वहां पूर्वोत्तर की तरह सफलता मिलती दिखाई पड़ती है, तो केरल में लेफ्ट और कांग्रेस को तीसरी चुनौती मिलेगी, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो द्विध्रुवी है। यहाँ पर एक बार वो आते हैं, एक बार वो आते हैं, इस तरीके की कंडीशन है। लेकिन ये तीसरी चुनौती के रूप में भाजपा आएगी तो लेफ्ट और कांग्रेस को वाकई में परेशानी उठानी पड़ सकती है। पीएम मोदी में, जैसा कि अभी जिक्र भी हम कर रहे थे, पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर की जीत पर यह भी कहा था कि लेफ्ट और कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि ईसाई वोट भी बीजेपी के साथ है और केरल में भाजपा आएगी। केरल के लिए भाजपा निश्चित ही कोई प्लान बना रही होगी, क्योंकि पीएम मोदी अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं में इस तरीके की उम्मीद जगा रहे हैं। इसका मतलब कि ये यूं ही नहीं है, केरल में भाजपा ब्लूप्रिंट के साथ जमीन पर उतर रही है और निश्चित ही ईसाई और मुसलमानों के साथ केरल में भाजपा अपना विस्तार करने की पूरी तैयारी कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।